जय हिंद डिफेंस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। बड़ी खबर ओमान से आ रही है, जहां पर ओमान में मॉस शूटिंग की घटना देखी गई है और इस हमले की जिम्मेदारी ली है ISI के द्वारा, यानी कि जो इस्लामिक स्टेट है उनके द्वारा। ओमान के मॉस्क में आपके काफी बड़ा हमला किया गया, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक दोनों ही इसमें मारे गए हैं और हताहत हुए हैं। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से इस टेररिस्ट की घटना को अंजाम दिया गया है। हम जानते हैं कि ओमान एक प्रकार से भारत का पड़ोसी आप कहोगे, अगर अरबियन सी ना हो, और भारत के साथ ओमान के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। और अभी जो है मंडे के दिन टोटल 9 लोगों की जो है मृत्यु, जो इंडियंस है, 9 इंडियंस की मृत्यु आपकी हुई है और कई लोग इसमें आपके मारे गए हैं, साथ ही साथ कई लोग इसमें आपका घायल है। जो कैजुअलिटीज हैं उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आफ्टर प्रेइंग जो उनका मस्जिद थी वहां पर एक घटना हुई जहां पर कई लोग आपके मारे गए हैं। वहीं पर इंडियन एम्बेसी का कहना है कि द इंडियन एम्बेसी इन द ओमान मेड द अनाउंसमेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इंडियन नेशनल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टेटेड दैट द अनदर इंडियन हैव बीन इंजर्ड इन गन अटैक दैट टुक प्लेस इन द अली बिन अबी तलीब मॉस इन द मस्कट। तो काफी आपका भयावह घटना थी जिसको 15 जुलाई को आपका अंजाम दिया गया, और ओमान में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही जो कि काफी चिंता का विषय है। सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी भी इसमें आपके हताहत हुए हैं। 4 पाकिस्तानी नेशनल पुलिसमैन वर आल्सो अमंग दोस किल्ड इन द असॉल्ट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी एंड ओमानी ऑफिशियल्स। अथॉरिटीज सेड 28 पीपल ऑफ वेरियस नेशनल्स वर वुंडेड इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल। तो अभी तक तो ऐसी कोई भी घटना ओमान में आपकी नहीं देखी गई थी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो इस्लाम है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें शिया और सुन्नी सेक्ट में वो बटे हुए हैं और एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इस कारण से अभी देखिए 17 तारीख को मुहर्रम भी था, उसके पहले ही आपका अटैक हुआ है। एक प्रकार से वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे विचारों को फॉलो करो, और यही टेररिज्म रहता है, और टेररिज्म मेनली इन्हीं सब विचारधाराओं से निकल कर सामने आता है कि अगर आप हमारी विचारधारा नहीं मानोगे तो हम इस प्रकार के कारनामे करेंगे। द अटैक टुक प्लेस इन द शीटी मॉस्क इन सुन्नी डोमिनेटेड ओमान नोन लोकली एज द इमाम अली मॉस्क एनुअल पीरियड ऑफ मॉर्निंग टू द कमोमरेट द 7th सेंचुरी डेथ ऑफ द हुसैन अ ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो इनके प्रॉफिट मोहम्मद के जो ग्रैंडसन थे उनके लिए आपका प्रेयर की जा रही थी, लेकिन उसी बीच जो है ये आपका हमला होता है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अशूरा हैज ओकेजनली ट्रिगर्ड सेक्टेरियन टेंशन बिटवीन द सुन्नी एंड द शीटी मुस्लिम्स इन सम कंट्रीज दो नॉट टिपिकली इन द ओमान। ओमान में घटना नहीं देखी जाती थी, काफी पीसफुल कंट्री है, सब सही होता है, लेकिन इस बार जो है आप सभी जानते हो जो आतंक का विचार है वो इसी सब विचारधाराओं से आपका पनपता है, और अब ये धीरे धीरे ऐसी कंट्रीज में भी आ रहा है जहां पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं सुनी जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ओमान के कोस्ट के तरफ जो है एक आपका शिप डूब रही थी जिसमें कई आपके भारतीय भी थे। इंडियन नेवी आप सभी जानते हो ऑपरेशन संकल्प के तहत डिप्लॉयड है, और भारतीय नौसेना INS तेग को लेकर वहां पे पहुंचती है और इंडियन ओशन रीजन में जो है जाकर अपने 9 क्रू मेंबर जिसमें 8 हिंदुस्तानी 1 श्रीलंकन थे उसको आपका बचाती है। तो भारतीय नौसेना तो सभी तरफ आपका इन्वॉल्व है और आगे बढ़ती जा रही है। बात करते हैं ओमान और भारत के डिफेंस रिलेशंस की। तो देखिए दोनों देशों के बीच में कई एक्सरसाइज होती है, जैसे कि आर्मी एक्सरसाइज को अल नजा कहते हैं, एयरफोर्स एक्सरसाइज को ईस्टर्न ब्रिज, नेवल एक्सरसाइज को नशीम अल बहर। तो ये सभी एक्सरसाइज जो हम ओमान के साथ किया करते हैं। ये नक्शा आप ओमान का देख ही सक रहे हो, और जब 1947 तक मुंबई प्रेसिडेंसी से ही ओमान को गवर्न किया जाता था, तो सोच लीजिए भारत की रीच कहाँ तक थी और भारत क्या क्या कंट्रोल करता था, और स्वतंत्रता के बाद हमने क्या क्या खो दिया। पाकिस्तान खो दिया, ऑक्यूपाइड कश्मीर खो दिया, तिब्बत, मानसरोवर ना, और आपका बांग्लादेश, ये सभी हमारे हिस्से अलग हो गए। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम सही तरीके से देखें, भारत में आतंकवाद पर नियंत्रण लगाना एक सबसे बड़ी हमारी जो डिमांड है, क्योंकि भारत में भी लगातार आपके आतंकवादी हमले होते जा रहे हैं जिसमें हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन ओमान में ये घटना से ओमान को सबक लेना चाहिए और उनको अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहिए, और जो शिया सुन्नी के बीच कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करना चाहिए।
आप सभी डिफेंस स्टूडेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें, वॉर रिटन कोड का यूज करें। जी, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।